So good morning, students. So yes, so last time हम लोगों ने storage of municipal solid waste part one पढ़ा था, ठीक है? तो आज अभी हम लोग part two पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में तो थोड़ा सा आगे के waste के बारे में पढ़ेंगे, एंड छोटा सा टॉपिक आ जाएगा, ठीक है? तो आज इसको आज most probably हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो आज हमारा जो storage of इसका वाला part रहेगा, तो इसको हम लोग खत्म कर लेंगे. अटेंडेंस की अगर बात करें तो हमारा एक दोपहर को एक लेक्चर हुआ 12:30 PM को, तो उसके साथ AWDD के लेक्चर के साथ में और उसके साथ में नोट अटेंडेंस कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है? सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पार्ट, ठीक है? सो व्हाट विल स्टडी टुडे, राइट? तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे स्टेप्स टू बी टेकन बाय अर्बन लोकल बॉडीज फॉर स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिसाइक्लेबल्स पार्ट 2, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था, इसके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रीट वेंडर वेस्ट तक पढ़ा था. तो स्ट्रीट वेंडर सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरह से स्टोर करना चाहिए, मैं बताया था एक पानीपुरी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको. तो पानीपुरी वाला किस तरह से अपने कचरे का डब्बा अपने साथ रखता है, कचरे का बैग रखता है, क्योंकि आप पानीपुरी खाते हो तो पानीपुरी जो खा के जो पेपर का प्लेट रहता है तो आप किसमें थ्रो करते हो, वो आप इसमें थ्रो करते हो. किसमें थ्रो करते हो, उस कचरे के डब्बे में थ्रो करते हो, ठीक है? तो आज उसके आगे बढ़ेंगे, मैरिज हॉल्स में कैसे वेस्ट को स्टोर करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट को कैसे स्टोर करना चाहिए, फिर आपका जो दूसरा वेस्ट जो होता है गार्डन वेस्ट को उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, ठीक है? मेजर्स टू बी टेकन बाय अर्बन लोकल बॉडीज फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रिसाइक्लेबल्स, तो जो पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट्स जो मटेरियल होते हैं, तो ये जो रिसाइक्लेबल होते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? फिर प्रोविजन ऑफ लिटर बिन्स इन पब्लिक प्लेसेस. लिटर बिन्स होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या होता है, स्ट्रीट में जो कम लोग कचरा फेंकते हैं उसको कम करने के लिए जगह जगह पे डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे आपको डस्टबिन लगाना चाहिए, कौन सी जगह पे लगाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो लेट स्टार्ट टुडे with this topic, okay? So first is storage of marriage or mandap waste, ठीक है? तो marriage और mandap waste अगर आपका है तो उसको आप store कैसे कर सकते हो और कैसे store कर सकते हो, ठीक है? तो storage of marriage और mandap waste जो आपका रहता है उसको आप कैसे store करते हो, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है मैरिज से, सोशल फंक्शन से, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, बैंक्वेट हॉल से भी जनरेट होता है, ठीक है? एंड उस जिससे क्या हो जाता है कि वो प्लेसेस को अनहाइजीनिक कंडीशन में रखता है, ठीक है ना? तो सुटेबल कंटेनर हमको लगाने पड़ते हैं विद लिड्स, ठीक है? तो लिड्स के साथ हमको सुटेबल कंटेनर प्लेस करने पड़ते हैं जिसमें मैच विद द प्राइमरी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द लोकल बॉडीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट एट देयर कॉस्ट, ठीक है? एंड द साइट ऑफ द प्लेसमेंट शुड बी पेनलाइज्ड इन द कंसीडरेशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज. एंड ऑन साइट बायोडिजेस्टर्स भी आप लगा सकते हो जिससे आप फूड वेस्ट को वहां पे कंपोस्ट कर सको, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? देखो क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, जैसे हम लोग जब मैरिज में आते हैं बैंकवेट में, ऑब्वियसली हम लोग खाना तो वहां पर खाएंगे, ठीक है? तो जो खाने का जो वेस्ट होता है उसको हम लोग, आपने देखा होगा बहुत बार, ठीक है, मैस में भी शायद आप खाते होंगे या पता नहीं मेरे को, मैस में भी आप जाते होंगे या मैरिज हॉल में रहते हो, तो दो तरह के डब्बे रखे जाते हैं, ठीक है ना? एक डब्बे में क्या होता है कि एक डब्बे में फूड वेस्ट रखते हो, ठीक है, और एक डब्बे में प्लेट्स रखते हो, ठीक है? तो प्लेट्स का वेस्ट आता है, ठीक है? तो जो फूड वेस्ट एक डब्बे में रखते हैं क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये प्लेट तो अपन बाद में वापस यूज करेंगे ना, एंड ये फूड वेस्ट अगर ये फूड वेस्ट आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो डब्बा रहेगा इस डब्बे में हम जो फूड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए अगर बाकी जो सुबह जब गाड़ी आती है तो आप क्या करते हो, एक प्रॉपर जगह पे कलेक्ट करके फूड वेस्ट को रख दोगे, जब गाड़ी सुबह आएगी तो उस फूड वेस्ट को क्या कर दोगे, जाके दे दोगे, ठीक है? या तो आप उसको वहीं पे खुद को मैनेज कर लोगे, ठीक है? तो इसके लिए मैरिज हॉल्स वगैरह इसके कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कुछ पैसा देना पड़ता है एक म्युनिसिपैलिटी, तभी वो चीज होता है, ठीक है? सो ये छोटा सा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ मैरिज और मंडप वेस्ट जो होता है बैंकवेट हॉल्स, चाहे कोई भी फंक्शंस कर रहे हो तो उसके लिए आप कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज अभी है हॉस्पिटल वेस्ट स्टोरेज, ठीक है? तो हॉस्पिटल का वेस्ट हो, नर्सिंग होम का वेस्ट हो, पैथोलॉजी का वेस्ट हो, ठीक है? तो कैसे भी वेस्ट हो, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, देखो दे शैल रिफ्रेन फ्रॉम थ्रोइंग एनी बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है? तो कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट को आप रस्ते पे थ्रोना करें, क्योंकि वो काफी ज्यादा हजार्डस हो सकते हैं, या ओपन स्पेस में थ्रोना करें, तो क्या होता है कि इनके लिए एक स्पेशल तरह का डस्टबिन, म्युनिसिपल डस्टबिन और डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन साइट्स बनाए जाते हैं, तो वहीं पे डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है? दे शैल ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम थ्रोइंग एनी ऑर्डिनरी सॉलिड वेस्ट ऑन फुटपाथ, तो उनके ऑर्डिनरी सॉलिड वेस्ट को फुटपाथ पे थ्रो करना नहीं चाहिए, ठीक है? इसके लिए
क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कलर कोडेड बिन्स या बैग्स उन्होंने बनाया है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, तो उसमें आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से बैग्स, कौन से बैग्स में सीरियल डालना चाहिए, कौन से बैग में वेस्ट नीडल्स डालना चाहिए, कौन से बैग में ब्लड कैरी करना चाहिए, ठीक है। तो ये सार तो उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग कलर कोडेड बिन्स रहते हैं उनके लिए, ठीक है, तो उनको उसमें कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो सीपीसीबी के भी कुछ नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उसको भी हमको फॉलो करना चाहिए। और आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी भी डिटेल्स को फॉलो करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं मैं इसमें, ठीक है, कि कौन से बैग में क्या स्टोर करना चाहिए, क्या नहीं स्टोर करना, आपको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ, ठीक है, क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स है, गोलियां है, तो उसको ब्लैक कलर के कंटेनर में आपको डाल सकते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर के कंटेनर में आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर के कंटेनर में उसको ट्रीट करोगे या सिक्योर लैंडफिल में उसको डाल दोगे। देखो, लैंडफिल जो होता है हजार्डस वेस्ट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योर लैंडफिल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिक्योर लैंडफिल होता है, डीप बरियल होता है, ठीक है। तो दो तरीके से हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, क्योंकि वेस्ट को आप डायरेक्टली लैंडफिल में डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, तो नॉर्मल लैंडफिल में, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोगों को सिक्योर लैंडफिलिंग करनी पड़ती है, सिक्योर लैंडफिल में डिस्पोज करना पड़ता है हजार्डस वेस्ट को, ठीक है। फिर अगर सॉइल वेस्ट अगर रहेगा, उसमें अगर इन्फेक्टेड ड्रेसिंग पीडीपी कास्ट रहेगा, तो उसको हम रेड वाले प्लास्टिक कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। अगर प्लासेंटा रहेगा, प्लासेंटा मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो जब तो बच्चों को प्लासेंटा से अलग किया जाता है, ठीक है, प्लासेंटा से अलग करके फिर बच्चों को पेट से निकाला जाता है, ठीक है। तो दैट प्लासेंटा का एक वेस्ट होता है, वो फिर पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है, बॉडी पार्ट जो होता है उसको हम लोग येलो वाले कंटेनर में डालते हैं, उसको डीप ब्रील करते हैं, ठीक है। और जो इनको इन्फेक्टेड प्लास्टिक से सिरिंजेस रहता है, ग्लव रहता है, ये सब रहता है, उसको हम लोग ब्लू वाले इसमें डालते हैं, ठीक है। एंड जो नीडल्स एंड कट ग्लासेस रहता है, उसको हम व्हाइट वाले प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। सो ये आपका रहता है, ये सब ऐसे कलर कोडेड बिन्स रहते हैं, इसमें हर एक का अलग 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 वेस्ट को हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल, जो सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट जो रहेगा, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, कहाँ पे डिटेल हम पढ़ेंगे, हमारे आने वाले लेक्चर्स में, जो कि फिगर नंबर 5 में जब मैं इसको पढ़ाऊंगा बायोमेडिकल वेस्ट को, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरह से कलर कोडेड बिन्स में ये करना है। मोस्ट प्रोबेबली हम ये IAC 2 के बाद इसको हम करेंगे, ठीक है। IAC 2 के बाद वी विल हैव वेरी लेस टाइम, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि दैट सेकंड IAC में अपना थर्ड यूनिट पूरा नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि अपना 19 तारीख से एग्जाम है, ठीक है। सो अभी मेरे को सैटरडे को भी लेक्चर लेना पड़ेगा, संडे को भी एक दो घंटा लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज कैसे भले दिवाली है, तो थोड़ा सा सुबह की दिवाली का टाइम मोस्ट प्रोबेबली तो सुबह तो कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है, जो भी होता है फंक्शन वगैरह जो भी होता है वो शाम से शुरू होता है 4-5 बजे के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि कैसा है कि बिकॉज आपका लेक्चर थोड़ा सा संडे को भी मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ, ताकि अपना यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है। सो ये करने के बाद फिर हम लोग यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे IAC 2 के बाद, ठीक है। तो देखते जितना कंप्लीट होगा हम उतना ही सिलेबस पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट क्या होता है। देखो, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बिल्डिंग, अगर हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, जैसे हम लोग अगर कोई जैसे बिल्डिंग में मोर्टार डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेब्रीज निकलती है, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग को डेमोलिश करते हैं, तो डेमोलिश करने के बाद भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, ठीक है, तो उन वेस्ट को कहाँ पे स्टोर करें, क्या उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन रहेगा, ऑब्वियसली रहता है। इसके लिए क्या होता है कि बच्चे, इसके लिए ना जो म्यूनसिपैलिटी होती है, जो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट को, आपका जो नॉर्मल वेस्ट स्ट्रीम होता है, जो नॉर्मल जो आपका जहाँ का कचरा फेंकते हो, आपका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट फेंकते हो, तो वहां पे आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, कभी भी डिस्पोज नहीं कर सकते हो। उसके लिए कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट के लिए म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज जो होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, वो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल डब्बा देंगे, स्पेशल बिल्स रहता है उनके लिए, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह रहता है कि इनको जो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो डालने वाले हैं, ठीक है ना, उसके लिए गवर्नमेंट जो रहता है, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे चार्ज करता है कि देखो आपका आपके साइड से अगर इतना कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट आ रहा है, तो हम आपको इतना चार्ज करेंगे पर मीटर क्यूब जो भी इसका रुपीज जो फिक्स रहता है, उसके हिसाब से म्यूनसिपैलिटी चार्ज करती है, ताकि उसके लिए वो करें, ठीक है। और बाद में ये भी उनका ये सोचते हैं कि उनको टेम्पररी स्टोरेज के लिए, अगर मान लो कि उनके साइट पे अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो साइट पे अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उनको रस्ते पे या ट्रैफिक पे कहीं उनको जगह दे सकते हैं, ठीक है। देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कि नो पर्सन शैल डिस्पोज द कंस्ट्रक्शन वेस्ट और डेब्रीज ऑन द स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस, फुटपाथ और पेवमेंट्स, कहीं भी उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। टिल फाइनली रिमूव्ड कंस्ट्रक्शन वेस्ट शैल बी स्टोर्ड, जब तक कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिमूव नहीं किया जाए,
तब तक उसको आपके अपने प्रीमाइसेस पे जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रीमाइसेस जहां पे बिल्डिंग है, ठीक है, वहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट को स्टोर करके रखना पड़ेगा और इन दी कंटेनर्स वेयर सच फैसिलिटी ऑफ रेंटिंग आउट कंटेनर्स आर अवेलेबल, ठीक है, जहां पे कंटेनर्स को रेंटिंग आउट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है आप उन कंटेनर्स में या तो स्टोर करो या तो आपके प्रीमाइसेस में उसको स्टोर करके रखो, ठीक है। In exceptional cases, अगर ऐसा होता है where storage of construction waste is within the premises not possible, अगर आपके पास इतनी space नहीं है आपके construction premises के अंदर उसको रखने के लिए, ठीक है, तो such waste producers जो है, जो भी साइट पे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ द लोकल अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी एप्लीकेबल, ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी है या अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट उनको परमिशन लेके उनको एक टेम्पररी स्टोरेज करने के लिए प्रोविजन दिया जा सकता है, ठीक है, ऑफ सच वेस्ट एंड हैविंग ऑब्टेंड एंड पेड फॉर सच परमिशन, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने परमिशन लेना चाहिए और उसके लिए उन्होंने उस परमिशन के लिए अगर वो सरकारी जमीन अगर यूज कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए कई और, ठीक है, उसके लिए उनसे कुछ पैसे भी चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, तभी उनको जाकर वो स्टोर को वो वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं जिससे ट्रैफिक को हैम्पर ना करें, ऐसे हम इसको स्टोर कर सकते हैं एंड द वेस्ट डज नॉट गेट स्प्रेड ऑन द रोड एंड डज नॉट ब्लॉक द सरफेस ऑफ स्टॉर्म वाटर, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, तो इस तरह से एक स्पेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वहां पर वो इसको स्टोर कर सके, तो ये एक प्रोविजन किया जा सकता है, ठीक है। अभी लोकल बॉडीज अगर रहेगा, देखो अगर लोकल जो लोकल बॉडीज, ठीक है, जिनकी 1,000,000 पॉपुलेशन के अगर ऊपर है, ठीक है, मस्ट टेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड और इंक्रीज द फैसिलिटी ऑफ स्किप्स और कंटेनर्स ऑन रेंट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोलिशन वेस्ट, ठीक है, तो अगर जिनकी पॉपुलेशन 1,000,000 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल आपकी भुसावल की बात करूँ, जलगांव की बात करूँ, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो दैट केस आपको करना क्या चाहिए, आपको स्किप्स एंड कंटेनर्स जो होता है आपको रेंट पे उनको देना चाहिए, ठीक है, और ताकि उनको स्टोर कर सके, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सके कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट का, ठीक है, तो ये एक चीज का ये करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा वेस्ट जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है आपको उसको डिस्पोज करने के लिए, तो ऐसा वेस्ट कौन सा वेस्ट हो सकता है, दैट इज ओनली द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, तो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट आप डिस्पोज करते हो, सो फॉर दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे फॉर इट, ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव स्टडीड टुडे, ओके, सो ये एक कंटेनर होता है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के साइट पे, आई होप सो, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे देखोगे ऐसा एक डब्बा होता है, ठीक है, इसी डब्बे में आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन के डेब्रीज वगैरह यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दिस इज द डेब्रीज इन विच द जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट को कलेक्ट करते हो, ठीक है, आई होप सो दैट सब लोगों ने इस चीज को देखा होगा, ठीक है, तो इसका कोई साइज स्पेसिफिकेशन रहता है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल इसमें से बड़ा रहता है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, अगर मान लो स्मॉल क्वांटिटीज कलेक्ट करना है कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट का, ठीक है, जो सिटी से जनरेट हो रहा है, ठीक है, सुटेबल साइट्स विल बी आइडेंटिफाइड, उसके लिए आपको साइट्स आइडेंटिफाई करके इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी एंड पीपल नोटिफाइड टू डिपॉजिट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, ठीक है, तो आपको वेरियस वेरियस साइट्स, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट रिलीज कर रहा है कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, एक सिटी है, तो सिटी में आपको साइट्स जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगी एंड इसी साइट्स में लोग क्या करेंगे, जो वेस्ट जनरेट करता है तो वहां पर आगे उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है, फिर वहां पर आप इन साइट्स पर क्या कर सकते हो, इन साइट्स पे जो म्यूनसिपैलिटी कंटेनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर बाद में स्मॉल कलेक्शन चार्ज आप उसके ऊपर लेवी कर, मैं आपको बताया ना कि ऐसा वेस्ट जिसपे कलेक्शन चार्ज में लेवी कर सकते हो, देखो आप जहाँ पे रहते हो, ठीक है, जहाँ पे कचरा डिस्पोज करते हो, होप्स हो कि आप जहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे रेजिडेंस से कचरा डिस्पोज करते हो तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है, बट हाँ ऐसे वेस्ट कंस्ट्रक्शन में जिसका क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू रहेगी तो उसके लिए उसको कलेक्शन चार्ज पे करना पड़ता है जो जिन साइट से रिसीव करते हो, ठीक है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो पे करना पड़ता है, और रेट जो रहता है वो हर लोकल बॉडीज का अपना अलग अलग रेट रहता है एंड कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स भी देते हैं, गवर्नमेंट इसको कॉन्ट्रैक्ट्स भी देते हैं इन साइट्स को मैनेज करने के लिए ताकि वो डायरेक्टली वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो देते हैं एंड वही प्राइवेट के अंदर वो लोग काम करते हैं, ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चार्ज, तुमने आपको बताया था दैट दिस वेस्ट इज चार्जेबल, इसका जो डिस्पोजल रहेगा, इसका जो स्टोरेज रहेगा, ये चार्जेबल है, ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट नेक्स्ट इज द गार्डन एंड यार्ड वेस्ट, ठीक है, तो गार्डन और यार्ड वेस्ट को स्टोर कैसे कर सकते हो, आई होप सो दैट इसको आपने देखा होगा, आपने पार्क गए होंगे, हर जगह गए होंगे, तो इस किसके वेस्ट को आई डेफिनेटली आपने देखा होगा, ठीक है, गार्डन एंड गार्डन के वेस्ट को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसके दो दो बैग होते हैं, मैं बताऊंगा आगे 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 है, ठीक है, देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या बोलता है कि जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, जो गार्डन वेस्ट को हम लोग एक और नाम से डिफाइन करते हैं, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, ठीक है, जो कि पार्क्स और गार्डन्स में जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है, शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड ट्रीटेड ऑन साइट टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ सच वेस्ट एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब ये होता है कि इन वेस्ट को पार्क्स में और गार्डन जैसे लीव्स वगैरह निकलता है, ट्रीज के ट्रंक निकलते हैं, तो इन वेस्ट को जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है इसको आपको नॉर्मल जो फूड वेस्ट जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो घर से जनरेट करते हैं तो उसमें उसको मिक्स नहीं करना है,
उसको सेपरेटली कनेक्ट करना है, उसके लिए सेपरेटली अलग से बैग आपको मिलेगा, डस्टबिन मिलेगा, कंटेनर मिलेगा, और ट्राई करो कि उसको ऑन साइड ट्रीटमेंट करो। ऑन साइड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बैकयार्ड एक टेक्निक होता है, हम बोलते हैं ऑन साइड में एक बहुत फेमस टेक्निक है, इट इज कॉल्ड द बैकयार्ड कंपोस्टिंग। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो बैकयार्ड कंपोस्टिंग करके एक होता है, ठीक है, तो बैकयार्ड कंपोस्टिंग को आप कर सकते हो, ताकि बैकयार्ड कंपोस्टिंग करके आप उसको ऑन साइड ट्रीटमेंट कर सकते हो। किसका ऑन साइड ट्रीटमेंट किसका कर सकते हो, गार्डन वेस्ट को आप कर सकते हो, राइट। तो ये आपका एक चीज इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। देखो क्या होता है कि बड़े बड़े सिटीज में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्या कर सकती है, वो एक लार्ज कंटेनर्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट और फैसिलिटी प्रोविजन ऑफ लार्ज कंटेनर्स थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू या वो खुद वो लार्ज कंटेनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब छोटे छोटे शहरों में क्या होता है कि उनको क्या होता है, ऑन साइट स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, फिर म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या कर सकती है, पीरियडिक कलेक्शन, मतलब कि दो तीन दिन में एक बार, चार दिन में एक बार कलेक्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक है, either to SWM department or by involving private sector, ठीक है। The skip bins or containers shall be of standard design, उनका standard design होना चाहिए, standard से match करना चाहिए, ठीक है। तो automatic hydraulic lifting होना चाहिए, unloading भी करते आना चाहिए, and this way should not be mixed with the domestic waste, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। उसका next चीज़ इसमें ऐसा है कि where it is not possible, जहाँ पे possible नहीं है garden waste को dispose करना या store करना, ठीक है, so within the premises, ठीक है, अगर premises में space नहीं है, then the waste is required to be disposed of outside the premises, ठीक है, तो उसको हम लोगों को outside the premises करना चाहिए, उसके लिए it shall be stored in a large bags or bins, ठीक है, तो उसके लिए उसको bags में और bins में आप store कर सकते हो on site में, ठीक है, फिर बाद में उसको municipal system में आप transfer करते हो weekly basis on payment, ठीक है, तो इसमें भी विचार ना कि garden waste को भी अगर आपको municipality को सौंपना है, तो then for that also you have to pay for that, so the construction demolition waste, after the construction demolition waste, the other waste for that we have to pay, that is the garden and yard waste, ठीक है, तो garden और yard waste जो भी आता है आपको, आपको क्या करना है, अगर on site अगर garden waste को store करने की facility नहीं है, then what you have to do, you have to store that waste in the bags, large bags or bins, उसको collect करना है, then you have to transfer to the municipal system on weekly basis, so weekly basis में जितना उसका payment रहेगा, उतना payment आपको pay करना पड़ेगा municipality authorities को, या जो भी private sector उसके लिए contract दिया गया, उनको आपको pay करना पड़ेगा, ठीक है। The generation of such waste, such should as far as practicable be regulated in such a way that it is generated on a day prior to the date of collection, ठीक है। तो क्या होता है कि तो उसके लिए आपको ऐसा arrangement करना चाहिए कि जैसे जिस दिन date of collection है, उसके एक दिन पहले उस waste को generate करके तो collect कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप चीज का provision आप कर सकते हो, ठीक है। It should be stored in the premises and kept ready for handing out to the municipality or the agency that may be assigned to work for collection. So, इसलिए तब तक क्या करना चाहिए, जब जल्दी से जल्दी से collect कर दिया, उसको handover भी करना चाहिए आपको municipal authorities को। अगर आपके पास ये कब करना चाहिए, जब आपके पास space नहीं है आपके premises में उसको store करने के लिए, ठीक है। फिर garden waste and fallen leaves from the avenue trees, ठीक है, within the large public parks, ठीक है, और garden should be composted to the extent that possible. That's why इसको ये भी मैं बताया था कि आपको backyard composting करना चाहिए, तो garden वेस्ट और यार्ड वेस्ट जो आपका रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जितना हो सके आप उसको कंपोज करो फील्ड में, ठीक है, कंपोज करो फील्ड में। However, if such facilities has to be disposed of, large skips may be kept which match with the municipal corporation system and such skips will be provided to the local bodies or state government owning such parks, ठीक है, तो उनको आप जहाँ पे पार्क करते हो उनको आप उसको सौंप सकते हो, ठीक है। In case of private parks and gardens, they may make their own arrangement which matches the municipal premises system, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको खुद प्रोवाइड कर देगी, अगर प्राइवेट पार्क अगर है तो उनको खुद स्टोरेज अरेंजमेंट मैनेज करना चाहिए, देन उसको गवर्नमेंट को जाकर डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। दिस इज अबाउट द गार्डन वेस्ट। तो गार्डन वेस्ट में देखते हो ऐसा आपने देखा होगा बैग्स, ठीक है, आई होप सो दैट दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी सीन कि ऐसे बैग्स में गार्डन वेस्ट आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। सो इस ऐसे बैग में भी कलेक्ट करते हो, या ऐसे कोई ऐसे डब्बा रहता है कंटेनर्स जिसमें ऐसे व्हील्स रहते हैं, तो उसमें भी कलेक्ट करते हैं गार्डन वेस्ट, जो घास घास वगैरह रहेगा उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये आप करते हैं गार्डन वेस्ट को कलेक्ट करने के कुछ टेक्निक्स, ठीक है। ये होता है बैकयार्ड कंपोस्टिंग। आप गार्डन वेस्ट को ऐसे कंपोज भी कर सकते हो, ऐसे 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 इसमें ऐसे इतने स्पेस में, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो गार्डन वेस्ट को, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बैकयार्ड कंपोस्टिंग। नाउ स्टोरेज ऑफ रिसाइक्लेबल्स, ठीक है। सो हाउ यू शुड स्टोर द रिसाइक्लेबल्स, सो रिसाइक्लेबल्स को स्टोर कैसे कर सकते हो, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू सेव द रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम गोइंग टू द वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सेंटर एंड यूजिंग द लैंडफिल स्पेस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रिसाइक्लेबल को रिसाइकिल करो उतना बेटर रहेगा, मैंने पहले चैप्टर से बता रहा हूँ, पहले यूनिट्स में करवा रहा हूँ आपको कि वेस्ट को रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करो, ठीक है। उसका प्रॉफिटेबल यूज बनाओ, ठीक है। पेपर है, पेपर को हम लोग यूज कर सकते हैं, मैंने बताया रिसाइकिल को पेपर कैसे करते हैं। प्लास्टिक का मैंने आपको असाइनमेंट दिया, प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे करते हैं, असाइनमेंट दिया आपने किया कि नहीं, दैट यू नो प्रॉपर्ली, ठीक है। प्लास्टिक का रिसाइकिल, प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं वो आपको करना है, ठीक है। सो उसको प्रॉफिटेबल यूज करना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल यूज ऑफ सच मटेरियल कुड बी मेड बाय सैल्वेजिंग एट द सोर्स फॉर रिसाइकिलिंग, ठीक है।
और इससे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सेव होगा, ठीक है, हमारे कॉस्ट सेव होंगे, हमारे एफर्ट सेव होंगे, एंड दिस कैन बी डन बाय फॉर्मिंग अ हैबिट ऑफ कीपिंग रिसाइकल्ड वेस्ट मटेरियल सेपरेट फ्रॉम द फूड वेस्ट और इन अ सेपरेट बैग और बिन. तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट बैग में बताया था प्रोवाइड करके बैग बनाना पड़ता है. एंड दिस रिसाइकल्ड वेस्ट कैन बी हैंडेड टू द वेस्ट कलेक्टर्स एट द डोरस्टेप. ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोग रैक पिकर्स होते हैं, रैक पिकर्स या कलेक्टर्स होते हैं, तो उन जो डोरस्टेप पे आते हैं उनको भी हम लोग हैंडओवर कर सकते हैं. भंगार वाला भी होता है, भंगार वाला भी एक तरह से रैक पिकर ही होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसको हैंडओवर करते हैं. दैट इज द वे ऑफ स्टोरेज ऑफ रिसाइकलेबल्स. ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो स्टोरेज ऑफ रिसाइकलेबल्स करने के लिए, आप ऐसे ऐसे कुछ डब्बे आते हैं, ठीक है, तो उसमें ये तीन साइड में तीन एरोज बने रहते हैं, ठीक है ना, तो वो उन एरोज को भी उन डब्बों को भी यूज कर रहे हो. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. तो ऐसे आपको डब्बे मिलेंगे, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो ऐसे रिसाइकलिंग के डब्बे में, जिसमें पेपर को रोक दिया, प्लास्टिक को रोक दिया, तो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो. एंड वही चीज आप क्या करते हैं, आपके वेस्ट कलेक्टर जो आपको घर तरफ आता है उनको हैंड ओवर कर सकते हो, तो वो वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे डब्बे आई थिंक आप लोगों ने देखे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग वेस्ट रिसाइकिल करने के डब्बे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट measures to be taken by the ULBs to segregate the what? To segregate the recyclables. So recyclables को segregate करने के लिए आपकी ULBs जो आपके urban local bodies होते हैं वो क्या कर सकते हैं? देखो local bodies क्या कर सकते हैं? सबसे पहले local bodies voluntary organizations को invite कर सकते हैं, जैसे फॉर non NGOs. NGOs या cooperatives को वो invite कर सकते हैं, ठीक है? To take up the work of organizing the street rack pickers, ठीक है? And elevate it to doorstep distributors, ठीक है? अब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के पास क्या है कि बहुत सारे देख सकते हो रैक पिकर्स जो कचरे उठाते हैं, ठीक है? तो उनको हम एनजीओस को इनवाइट करें, हम एनजीओस को बोले कि आप जो स्ट्रीट में जो कचरा कलेक्ट करते हैं, रैक पिकर्स कलेक्ट करते हैं, उनको आप एलिवेट करो, उनको आप इंप्रूव करो और उनको डोर टू डोर स्टेप का वेस्ट कलेक्टर्स बनाओ, ठीक है ना, मतलब कि ताकि घर जाए उनके पास एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड हो म्युनिसिपैलिटी के, ठीक है, और ऑथोराइज तरीके से वो काम करे. ये आप उनको प्रमोट कर सकते हो उनको इस तरह से, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो. अभी मैंने आपको बताया अंबिकापुर एक छत्तीसगढ़ में एक है, छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा स्टेप दिया अंबिकापुर में, ठीक है. अंबिकापुर बोल जगह है जहाँ पे फर्स्ट गार्बेज कैफे बनाया गया है, ठीक है, फर्स्ट गार्बेज कैफे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है. तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जो बनाया गया है फर्स्ट गार्बेज कैफे, उसमें आपने जाके अभी देखना कि जो रैक पिकर्स जितना केजी वेस्ट कलेक्ट करके रहता है उतना उसको ब्रेकफास्ट डिनर लंच मिलता है, ठीक है, उसको खाना मिलता है वहां पे, ठीक है ना. सो ये एक अच्छा स्टेप है कि आप उसको एलिवेट करो. तो दैट हु कैन डू, NGOs can do, government can do, state governments can do, ठीक है, उनको motivate करो ताकि वो soiled और contaminated waste जो collect करते हैं streets से, bins से, ठीक है, उनसे उससे अच्छा क्या करें कि वो घर पे जा जाके waste को करें, जो जो recycle करते हैं वो घर जा जाके करें, ठीक है, तो उनके लिए special identity card देना चाहिए, ठीक है. So instead improve the lot by collecting recyclable clean materials from the doorstep से collect करें at a regular interval of time. Local bodies may considering the important role of rag picking in reducing the waste and cost of transportation. So उससे क्या होता है, जो हमारे म्युनिसिपल अथॉरिटीज में जो वेस्ट का जो कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है. इवन कंसीडर फाइनेंशियल टू द एनजीओस कोऑपरेटिव्स प्रोवाइडिंग सम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू द रैक पिकर्स फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस फॉर देयर वर्क्स इन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है. तो वो लोग एनजीओस और कोऑपरेटिव्स को कुछ टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो लोग उनका फाइनेंस होता है, उनका फाइनेंशियल हेल्प जो अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो कंसिडर कर सकता है कि उनको कुछ टूल्स दे दिए एंड वो टूल्स एंड इक्विपमेंट वो रैक पिकर्स को दे देंगे, ठीक है. सो ये एनजीओस को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है. तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया. तो ये पहला चीज एक तो ये कर सकती है अर्बन लोकल बॉडीज उनको करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्या कर सकती है, लोकल बॉडीज में एक्टिवली एसोसिएट विद रेसिडेंट एसोसिएशन, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, तो उनके एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है. एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, तो पीपल के साथ अवेयरनेस क्रिएट करो कि रिसाइकल को सेग्रीगेट कैसे किया जाए सोर्स पे, ठीक है, और उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाए, ठीक है, तो एनजीओ के साथ, ठीक है. लोकल बॉडी में गिव प्रायोरिटी टू सोर्स शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट हाउस लेवल, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में करें, हाउस लेवल में करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. देन अपग्रेडेड रैक पिकर्स जो होते हैं, मैंने बताया था आपको डोर स्टेप जो कलेक्शन करते हैं, तो उनके आईडी कार्ड दिया जाना चाहिए एनजीओ ऑर्गेनाइजिंग द समझ में आप लोगों को. सो दिस इज अबाउट द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द मेजर्स टू बी टेकन बाय द अर्बन लोकल टू मैनेज द रिसाइक्लेबल्स, ठीक है. अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि प्रोविजन ऑफ द लिटर बिन्स ऑन द पब्लिक प्लेसेस. तो पब्लिक प्लेसेस में लिटर बिन्स हम देखते हैं ना,
जगह जगह पे पब्लिक प्लेसेस आप देखते होंगे कि कचरे का डब्बा होता है, ठीक है। तो अगर कचरे का डब्बा जो होता है वो कितना दूर होना चाहिए, कैसे कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। विद अ व्यू टू एंश्योर दैट द स्ट्रीट्स एंड पब्लिक आर नॉट लिटर्ड, लिटर मतलब कहते हैं जहाँ पे वो कचरा फेंका नहीं आना चाहिए, विद मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कैन हो गया, कार्टून हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, बस टिकट्स हो गया, रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स हो गया, हम लोग जो फेंकते ना रस्ते में फेंक देते चॉकलेट्स, फिर सिगरेट के केसेस होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको लिटर बिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। ऑन इम्पोर्टेंट स्ट्रीट्स होता है, मार्केट होता है, पब्लिक प्लेसेस होता है, टूरिस्ट स्पॉट्स होता है, बस होता है, रेलवे स्टेशन का आपने जलगांव स्टेशन के बाद देखा होगा, दो तरह के जिस स्टेशन का टिकट घर का आता है तो दो डब्बे पड़े रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जो भी कचरे का डब्बा रहता है उस डब्बे पे आप क्या कर सकते हो, उस डब्बे का कचरा फेंक सकते हो, जो भी आपका चॉकलेट का रहेगा, सॉफ्ट ड्रिंक रहेगा, वो रहेगा, ठीक है, वो लास्ट कॉम्पिटिशन रहेगा वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 मीटर से लेके गाइस कितना डिस्टेंस पे करना चाहिए, 25 मीटर से लेके 250 मीटर के बीच में इतना डिस्टेंस आपको करना चाहिए, लोकल कंडीशन के डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशन, उसके हिसाब से आपको इन बिल्स को पेस करना चाहिए। अगर वो एरिया काफी ज्यादा क्राउडेड है तो हर 25 मीटर के बाद आपको ये बिल्स लगाने चाहिए, ठीक है। सिमिलर बिल्स फॉर डिस्पोजल ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग्स कुड बी प्लेस्ड इन पॉश एरियाज, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दिस लिटर बिन्स शुड बी डन बाय बीट स्वीपर्स, स्वीपर जो करेंगे वो जिप क्लीनिंग ऑपरेशन करते हैं, एंड वेस्ट फ्रॉम द लिटर बिन्स शुड बी डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू द हैंड कार्ट्स ऑफ स्वीपर्स, ठीक है। तो फिर यहाँ से जैसे आपने लिटर बिन्स में क्या करेंगे, स्वीपर्स उसको कलेक्ट करेंगे, एंड स्वीपर्स को कलेक्ट करके हैंड कार्ट्स जो लोगों को उसमें देंगे, ठीक है। सच फैसिलिटीज ऑफ लिटर बिन्स कैन बी जनरेटेड एट नो कॉस्ट टू लोकल बॉडीज, ठीक है। इसके लिए कोई कॉस्ट लगता नहीं है बाय इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगर उसको प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व कर लोगे उसके लिए कोई कॉस्ट रहेगा, फिर गिविंग दम एडवर्टाइजमेंट राइट्स ऑफ द बिन्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और बाय अलाउिंग दम टू पुट देयर नेम्स, तो उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, उनके नाम से पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। लिटर बिन्स शुड बी पुट इन पॉश एज वेल एज पुअर एरिया, तो दोनों एरिया पॉश में भी पुट अप करना चाहिए, पुअर भी पुट अप करना चाहिए, डिसाइड बाय द लोकल बॉडीज, ठीक है। ये आपको होता है, तो आपको अपने इस ऐसे तरह के जो बिन्स होंगे, तो ये जो बिन्स है ये तो आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, दो बिन्स रखे होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे 25 मीटर से 250 मीटर के आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी कचरा रहेगा आपका, चॉकलेट रहेगा, फल के जो छिलके रहेंगे, केले के छिलके रहेंगे, कुछ भी आप खाते हो वहाँ पे, कुछ भी खाते हो, बस के टिकट रहेंगे, तो आप यहाँ पे उसको फेंक, बस स्टैंड पे भी रहेगा हर जगह, इस तरह के भी कुछ कचरे के डब्बे रहते हैं, यूज मी करके लिखा होता है, यूज मी लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा, तो ऐसे कलर अलग अलग होते होंगे बट ऐसे रहते हैं, ठीक है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द टूडेज लेक्चर, ठीक है, इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप सो दैट बहुत कम टाइम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया 10:30 को, एंड नाउ इट्स अराउंड 11 AM, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देखो गाइस, कुछ दिनों से मैं PDF फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज मैं मोस्ट प्रोबेबली सारे PDF फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है, लेक्चर 14, 15, 16 फॉरवर्ड कर दूंगा। और दूसरा एक चीज इसमें ऐसा है कि एक चीज आपको बताऊंगा कि हाँ, जो यूनिट नंबर 2 रहेगा, यूनिट नंबर 2 का कंसोलिडेटेड PDF जो रहेगा मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, इसमें सारे लेक्चर्स मैंने दिए, तो आपको IAS के लिए काम आ जाएगा, यूनिट नंबर 2 का कंसोलिडेटेड PDF। और यूनिट नंबर 3 तो मैंने अभी भी स्टार्ट किया, तो मेरे 2 लेक्चर्स हो गए, तो आज मैंने अगर मैं आपको बता दूँ क्लियर तरीके से, ठीक है, मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, मैं आपको बता दूँ टोटल, आपको एक अच्छा एक आइडिया लग जाएगा मैंने क्या कम्प्लीट करना, ठीक है, कितना कितना आपको कम्प्लीट कर दिया, तो वो मैं चीज आपको बता देता हूँ। अटेंडेंस हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जब 12:30 के जब हम जब मिलेंगे 12:30 बजे में उसमें, तो उसमें कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है, दूर अटेंडेंस ले लूंगा। So, ये आपका ये चीज है, मैं आपको सिलेबस ओपन करता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा सिलेबस है। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था गाइस, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में मैंने ये चीज कंप्लीट कर दिया है आपका, स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए 2 लेक्चर लग गया, ठीक है। सो 2 लेक्चर्स में आपको हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो अभी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ये सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट एंड मटेरियल रिकवरी, इसके लिए भी रिक्वायर 2-3 लेक्चर्स, ठीक है, 2-3 लेक्चर्स, शायद से हमको संडे को भी इसके लिए 1 घंटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉर्टिंग, सीजेस ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑपरेशन, रिजल्ट्स ऑफ सॉर्टिंग, चाइल्ड टेंडेंस क्या है, ठीक है, तो इसको करने के लिए हमको लगेगा टाइम, ठीक है। और इसके लिए मेरे को आपको ये भी, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, छोटे से न्यूमेरिकल भी रहेगा, तो वो भी मैं चीज करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये करवाने ये अगर कंप्लीट हो जाए तो कलेक्शन का अपने आप पूरा तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, जितना अपना कंप्लीट हो कलेक्शन का, 1-2 टॉपिक, 3 टॉपिक, तो उतना कर लेंगे, भले वो IAS में नहीं आएगा, ठीक है,
पर हम लोग आईएसए के पहले इसको कर लेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट के लेके, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट को लेके भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आईएसए का बाकी टॉपिक जो रहेगा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बचेगा क्या, इसके बाद बचेगा हमारा यूनिट नंबर 4 बचेगा, तो वो भी थोड़ा बड़ा है, 8 घंटा उसके लिए भी लगेगा, 8 लेक्चर्स एंड 8 घंटे और 16 लेक्चर को लेंगे खत्म करने, ठीक है। सो इसके बाद एडब्ल्यूटीटी की बात करूं, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात करूं, ठीक है, तो हमने एडवांस वाटर ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमने इरेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इरेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज हम लोग कंट्रोल ऑफ अलगी जो है, ये लास्ट वाला टॉपिक है कंट्रोल ऑफ अलगी, इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल ऑफ अलगी के बाद ये फ्लोराइड रिमूवल और इसका रिमूवल ऑफ टेस्ट वाटर जो है, ये इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आने वाले दो लेक्चर्स में, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग एडसॉर्प्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे तो ये दो टॉपिक बच जाएगा हमारा यूनिट नंबर 5 में, ये दो टॉपिक जिसको हम आईएसी के बात कर लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग इतने टॉपिक्स हम लोग आज कर लेंगे इसका, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, 12:30 बजे, उसमें हम लोग बाकी चीज कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट एट 12:30 PM।